नहीं बात तो करने दे, प्लीज विक्रम जी। नहीं, मैं नहीं डरता किसी भी बात से। हम किसी बात से नहीं डरते। आप 62 में लाओ, आप चाहे 67 में लाओ, किसी में लाओ, धमकाने से विक्रम जी कुछ नहीं होने वाला। नहीं, प्लीज विक्रम जी, प्लीज। आपका 62 भी वैसे ही बोलने दो। मुख्यमंत्री जी ने कहा था 100 करोड़ रुपए का माइनिंग घोटाला हो गया। तो आपको लगा था ना। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे आपने कहा यू कीप क्वाइट, जयराम जी ने कहा यू कीप क्वाइट। अध्यक्ष महोदय, हमने इतने मजे किए कि जयराम जी ने हमें विधानसभा से 1 हफ्ते के लिए बाहर निकाल दिया है। इतने मजे किए कि हम तंबू लगा के वहां पे बैठे और जयराम जी यहाँ कह रहे थे कि आप अपना लीडर ऑफ अपोजिशन नया चुन लो। अध्यक्ष महोदय, आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, आपसे ऊपर कोई नहीं है। अब कोई मर्जी अपने आप को ऊपर समझता रहे कि मैं स्पीकर से ऊपर हूं, वो नहीं है। आप कनिष्ठ हैं, आप सीनियर हैं, आप जूनियर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आप हैं स्पीकर। इसलिए और स्पीकर हैं और आप अपने अंदाज के स्पीकर हैं, ये प्रदेश को पता भी लग गया है। आपका देश को पता लग गया, आपका अपना मिजाज है, आपकी अपनी सोच है, बिल्कुल ठीक भी होगी। पहले बात तो करने दे। आप में ये फैसला ही नहीं है, आपने सरकार से लड़ना कि स्पीकर से लड़ना? दोनों से नहीं लड़ो ना। स्पीकर साहब तो जो है उन्होंने तो हाउस चलाना है, आप हमारे से लड़ो, सरकार से लड़ो। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपने जो भी कहा और माननीय सदस्य आज हाउस में आए हैं, अब इनसे आग्रह है, रूठना और बिगड़ना जैसे नेगी जी ने कहा चलता है, पर इतना मत रूठो कि रोज ही रूठ जाओ, फिर वो टेस्ट नहीं रहता। तब मैं वहां बैठता था, यहाँ धूमल साहब बैठते थे। तो ये हाउस में होता रहा है, ये हाउस वो बड़ा पुराना मसला है, ये हाउस में होता रहा है। यही पे आपके आसन पे बैठ के बिंदल जी ने कहा कि आई एम प्राउड टू बी आरएसएस मेंबर। उसके बाद बिंदल जी स्पीकर थे, उनको बना दिया गया वहां पछाद में इंचार्ज, उनके फोटो के साथ चुनाव लड़े जा रहे थे इनके वहां पे है। उसके बाद नगर निगम का चुनाव था, स्पीकर थे हमारे परमार साहब, इनके फोटो से चुनाव लड़े गए। नहीं नहीं, आप सुनिए, आप नहीं सुनिए, आप भी स्पीकर थे, आप ऑनरेबल स्पीकर थे, आपके नाम के फोटो के साथ चुनाव लड़े गए। आपने सदन के बाहर क्या किया उसकी बात नहीं है, आपका कंडक्ट जो है यहाँ पे क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे नहीं, वो ठीक है, आप आहत हुए, आहत जयराम जी हम भी हुए थे जब आपने हमारे पे देशद्रोह का मुकदमा लगाया आपने, और आज दिन तक चल रहा है वो मुकदमा। 6 MLA हर्षवर्धन जी भी हैं उसमें और दूसरे MLAs भी थे। तो इसलिए जो है मेरा आपसे ये आग्रह है, अब कल की बात है। नहीं नहीं नहीं, चलिए सुनिए, नहीं चलिए चलिए नहीं, आप कल महामहिम के पास गए कि स्पीकर को हटा दो, क्या स्पीकर हट जाएंगे स्पीकर? नहीं, आप बताओ स्पीकर हट जाएंगे? अरे भाई, यहाँ पे आप 28 आदमी हैं, हम यहाँ पे 40 आदमी हैं, क्या आप वोटिंग करा लो, आप है? और नहीं नहीं, सुन लेना, इधर खत्म भी बातचीत के बाद ही होगा, खत्म भी बातचीत। हम भी चाहते हैं ये खत्म हो, ये डायलॉग हो, और दोनों लोग जो हैं सिरमौर के हैं, संसदीय कार्य मंत्री सिरमौर के हैं, चीफ व्हिप सिरमौर के हैं, बात क्यों नहीं करते आपस में? आपस में बात करो, आप दोनों का काम है ये हाउस को चलाना। आप एक ही जिले से आते हैं, आप हैं? ये तो अब पता नहीं जयराम जी ने कह रखा होगा कि बात नहीं करनी है? नहीं तो जो है वो तो शायद बात कर लेते अब तक और ये मसला सॉल्व हो जाता।
तो इसलिए कल जो है अगर आपने कर्मचारियों के हितेशी बन, वैसे तो सारा प्रदेश जानता है आप कर्मचारी हितेशी नहीं है, आप नहीं है, आपने ओपीएस नहीं दिया तो आप कर्मचारी हितेशी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कर्मचारियों का रेजोल्यूशन दिया और हमारे पूर्व स्पीकर साहब ने जो है यहाँ पे स्पीकर साहब के खिलाफ मोर्चा लगा दिया, आप में ये फैसला ही नहीं है आपने सरकार से लड़ना कि स्पीकर से लड़ना, दोनों से नहीं लड़ो ना, स्पीकर साहब तो जो है उन्होंने तो हाउस चलाना है, आप हमारे से लड़ो सरकार से लड़ो। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय आपने जो भी कहा और माननीय सदस्य आज हाउस में आए हैं, अब इनसे आग्रह है रूठना और बिगड़ना जैसे नेगी जी ने कहा चलता है, पर इतना मत रूठो कि रोज ही रूठ जाओ, फिर वो टेस्ट नहीं रह रहा है। आप जो है रूठे थे, आपको मना लिया, आप अंदर आ गए, अब आप हाउस चलाओ।